नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल की नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ शीट्स के बारे में, कैसे आप रेविट आर्किटेक्चर पे शीट्स बना सकते हैं विद टाइटल बॉक्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास ये प्लान है, ठीक है, अब मुझे शीट बनानी है जिसपे मैं लेवल 1 भी लेके जा पाऊँ, लेवल 2 भी लेके जा पाऊँ, 3D लेके जा पाऊँ, एलिवेशन लेके जा पाऊँ, ये जो भी मैंने बनाया हुआ है सारी डिटेलिंग उस शीट पे जाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसको प्रिंट आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को जाना है सबसे पहले व्यू पे, और यहाँ पे है एक ऑप्शन शीट का, न्यू शीट, या फिर यहाँ पे है शीट, आप इस पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं न्यू शीट। तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें कुछ सीट के सैंपल होंगे। आपको और सीट चाहिए तो आप लोड कर सकते हैं, और लोड करने के बाद आपका जो फोल्डर रहेगा, आपकी फैमिली रहेगी, वहां पे एक फोल्डर होगा टाइटल ब्लॉक्स करके, आप इसे डबल क्लिक करें। यहाँ पे आपके बहुत सारे साइजेस मिलेंगे, मैट्रिक साइजेस आपको मिलेंगे, और अगर आपके पास इंपीरियल लाइब्रेरी है तो आपको उसके अंदर आपको मिल जाएंगे इंपीरियल आपके टाइटल ब्लॉक्स। इसमें आप साइजेस ले सकते हैं, A0 साइज ले सकते हैं, A1 साइज, A2 साइज, A3 साइज, लैंडस्केप ले सकते हैं, पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो भी साइज आपको यहाँ पे चाहिए आप वही साइज यहाँ पे ले सकते हैं। मान लो मेरे को A2 चाहिए तो मैंने A2 लिया यहाँ पे, एंड ऐसे चाहिए टाइटल ब्लॉक्स, नीचे चाहिए टाइटल ब्लॉक्स, ये प्रिपेयर्ड है आपका प्री पहले से बनी हुई शीट्स है जिनको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओपन करें, यहाँ पे वो सीट ऐड हो जाएगी, A1 मैट्रिक जो, A2 मैट्रिक जो भी आपने यहाँ से चूज किया है। उसके बाद इसको ओके करें तो आपका एक शीट ओपन हो जाएगी यहाँ पे, ये शीट। अब यहाँ पे शीट्स का यहाँ पे नाम है, ओनर नेम, प्रोजेक्ट नेम, अननेम, प्रोजेक्ट नंबर, डेट, वो सभी चीजों को आप इस पे टिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं कि शीट नेम, मान लो मैंने कर दिया यहाँ से दीपक वर्मा, उसके बाद शीट नंबर चेंज कर सकते हो, यहाँ से मैंने कर दिया A2, व्हाटएवर जो भी। उसके बाद डेट यहाँ से चेंज कर सकते हो, ड्रेन ड्रोन बाई आप चेंज कर सकते हो, फिर दीपक वर्मा, चेक बाई आप चेंज कर सकते हो, डिजाइन बाई क्या हुआ, अप्रूव बाई क्या हुआ, वो सब कुछ करने के बाद अप्लाई करें तो वो सारे के सारे चीजें आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। क्लियर, इस टाइटल ब्लॉक पे कंप्लीट चीजें अपडेट हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इसको क्लिक करें और आप इसकी फैमिली में चले जाएं जहाँ पे आपने इस चीज को बनाया है। तो आप इसे फैमिली पे क्लिक करें तो ये इस फैमिली से, मतलब यहाँ से ये बन के वहां पे गया था, तो आप यहाँ पे अब इंडिविजुअली सबको क्लिक करके, यहाँ पे डिलीट करके, कोई टेक्स्ट आप यहाँ से क्रिएट करके आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई लाइन आपको ऐड करनी है तो आप लाइन का यूज करें, और यहाँ से कोई भी एक लाइन यूज कर सकते हैं। ये हटाना है टाइटल ब्लॉक तो यहाँ पे कम्प्लीटली इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे कोई भी आप एडिटिंग कर सकते हैं, और उसके एडिटिंग करने के बाद, मान लो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एडिटिंग करने के बाद आपको इनटू लोड इनटू प्रोजेक्ट करना है, और आपने प्रोजेक्ट में ऐड करें और ओवरराइट कर दे एक्जिस्टिंग वर्जन, तो वो आपकी एडिटिंग यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर, उसके बाद है कि आपको इस शीट में लेवल 1 को लेके आना है। लेवल 1 को इस शीट में लेके आने के लिए दो वे है। पहला है, यहाँ पे एक आता है प्लेस व्यू, आप इस पे क्लिक करें, वो जो भी आपको चाहिए इस व्यू पे आप उसको सिलेक्ट करें, इस शीट पे आपको जो भी चाहिए, एंड ऐड व्यू टू शीट करें, और आप यहाँ पे इसको लेके आ सकते हैं इजीली बिना किसी परेशानी के। क्लियर है, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप इसको क्लिक करें और ऐसे ड्रैग करके लेके आ सकते हैं, वो आपके इस व्यू में इजीली आ जाएगा जहां पे भी आपको प्लेस करना है। क्लियर, अब बात करते हैं कि इसका स्केल कितना रखना। अब यहाँ पे ये आया है लेवल 1:10 के स्केल पे, 1 inch = 10 feet के स्केल पे है। आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि मेरे को ये वाला स्केल चाहिए, या फिर आपको ये वाला स्केल चाहिए, जो भी आप स्केल रखना चाहते हैं आप यहाँ पे वो स्केल रख सकते हैं। देखो आपको इतना बड़ा यहाँ पे स्केल आया, जो भी आप यहाँ पे स्केल रखना चाहते हैं वो यहाँ पे इजली रख सकते हैं। ठीक है, ये आपने स्केल रखा, ठीक है, या फिर आप इसे दोबारा जब लेके आते हैं स्टार्टिंग में तो हमारा कुछ इतना बड़ा स्केल हो जाता है। अब आप इस स्केल को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें, आप इसे कर दो जो भी स्केल आप यहाँ से चाहते हैं, 1:10 का स्केल मैंने किया तो आपका स्केल इतना आ गया।
अब मैं इसे इजिली यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। बट प्लेस करने के बाद क्या हुआ, आपके पास ये एक टाइटल ब्लॉक की लाइन आती है, ठीक है, जिसको आप नहीं चाहते कि ऐसे आए, तो कुछ नहीं करना, दोबारा इसको डिलीट कर दे और वापिस इस व्यू को ले जाए, और यहाँ पे सेम आपके टाइटल ब्लॉक वाली लाइन आएगी, वो आपकी इसी साइज के अकॉर्डिंग आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, आप इसे सिलेक्ट करें। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूं, मैं लेवल 1 पे आता हूं, मैंने यहां पे इसको हाइड किया हुआ है, क्रॉप रीजन को मैं हटा देता हूं। अब जैसे आपके ये लेवल्स होते हैं यहां पे, जैसे ही आप शीट पे जाएंगे और शीट पे जाने के बाद इसको ड्रैग करके लेके आएंगे, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपका व्यू कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा कि आपके ये लेवल्स भी साथ में आ गए। मैं चाहता हूं कि मेरे को ये लेवल्स नहीं चाहिए साथ में, तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं करने के। पहला वे क्या है कि आप लेवल 1 पे जाएं, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, हाइड इन व्यू कर दे कैटेगरी, ये आप हाइड इन व्यू कैटेगरी कर दोगे, चारों आपके हाइड, वापिस जाएं शीट पे, अब आपका देखो ये हाइड आ गया, आपका इतना ही आया है। अब ये चीज यहाँ पे ऐसे आए हैं, इसको करने के लिए दोबारा से डिलीट करके दोबारा से आप इसे ड्रैग करके ले आए, तो आपका ऐसे आ जाएगा। क्लियर। दूसरा तरीका है उसको हटाने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने हाइड नहीं किया तो मैं अंडू करता हूं इसको। दूसरा तरीका इसको हटाने के लिए है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन, आप क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन को दोनों को ऑन कर दें, तो इससे क्या होगा, आपके पास ये बॉक्स आएगा, एक इस बॉक्स की हेल्प से आपको कितना व्यू देखना है, कितना व्यू रखना है, उसको आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको इतना व्यू देखना है, आप क्रॉप व्यू की हेल्प से उस व्यू को वहां से सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था डिटेलिंग वाला, आप जितना करेंगे उतना ही व्यू आपको वहां से दिखाई देगा। क्लियर। तो जितना आप चाहते हैं कि मेरे को इतना व्यू चाहिए, इतना आप कर दें, अब आप यहाँ पे जाए तो आपको सिर्फ उतना ही व्यू यहाँ पे दिखाई देगा जितना व्यू आप यहाँ पे चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन ना आए, क्रॉप व्यू वाली लाइन, तो उसके लिए आप दोबारा जाएं यहाँ पे और क्रॉप व्यू को ऑन रखें, बट क्रॉप रीजन को आप ऑफ कर दें यहाँ से, तो आपको वो लाइन दिखनी बंद हो जाएगी और आपकी यहाँ पे लाइन नहीं आएगी। क्लियर दोस्तों। उसके बाद है कि आपको टाइटल ब्लॉक्स देखना है नहीं देखना है, इसका यहाँ पे रीनेम करना है नहीं करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं एडिट टाइप पे जाके, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं कि मेरे को टाइटल ब्लॉक देखना ही नहीं है, अप्लाई करें, ओके करें, टाइटल ब्लॉक वहां से हट जाएगा जो भी यहाँ पे नाम है। टाइटल लाइन भी नहीं देखनी तो शो टाइटल भी आप यहाँ से नो कर सकते हैं, तो वो भी आपका हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा जाए एडिट में, आप यहाँ से यस करें, यहाँ से आप कर दे व्यू टाइटल, और यहाँ पे आप कर सकते हैं कि टाइटल आप कब दिखाई दे, जब मल्टीपल व्यू पोर्ट हो, तो सिंगल व्यू पोर्ट के लिए वो टाइटल ब्लॉक्स नहीं दिखाएगा, पर जब आपके पास मल्टीपल व्यू पोर्ट्स रहेंगे तो आपको वो टाइटल ब्लॉक्स दिखाएगा। एक्सटेंशन लाइन देखनी है नहीं देखनी है, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जो लाइन थी यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन। लाइन वेट आपको कितना रखना है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं कि मेरे को 4 चाहिए। कलर क्या रखना है वो आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं कि मेरे को ऐसा कलर चाहिए, और पैटर्न क्या रखना है वो आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइटल ब्लॉक यहाँ पे चेंज हो जाता है, और इसको आप क्लिक करके भी कहीं भी मूव करके इसको यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे ये आपको प्लेस करना है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद है कि हाँ, अब बात करते हैं आगे। मान लो आपको लेवल 2 लेके आना है, लेवल 2 भी आप ऐसे लेके आ सकते हैं। अब जैसे आप लेके आए तो आपका व्यू ऐसे आया है, आपका इतने का स्केल है, आपको ये नहीं चाहिए, तो आप इस लेवल 2 पे जाए, यहाँ से क्रॉप व्यू आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, रीजन ऑन कर सकते हैं, इसको क्लिक करें और अपने व्यू को इतना बना सकते हैं, यहाँ पे जाए और यहाँ पे जाए, यहाँ से आप क्रॉप व्यू को ऑन ऑफ यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप कर सकते हैं क्रॉप रीजन को ऑन ऑफ, जो नीचे आइकन्स बने हुए हैं। क्लियर। क्रॉप व्यू और क्रॉप रीजन ये मैंने हटाया यहाँ से। अब मैं जाता हूँ शीट पे, ये आपका आ चुका है, अब ये टाइटल ब्लॉक नीचे आया है, दोबारा डिलीट करें और दोबारा आप इसे ड्रैग करके लेके आ सकते हैं, तो आपका लेवल 2 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अब बात करते हैं कि मान लो मेरे को लेवल 1 ये अगेन लेके आना है, बट
जैसे ही लाता हूँ तो ये बता देते कि दिस व्यू इज ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन शीट, कि ये व्यू ऑलरेडी प्लेस्ड है इस शीट पे। मैं चाहता हूँ कि एक और मैं लेवल वन ले गया हूँ, बट वो रहे मेरा विदाउट फर्नीचर या विदाउट एनोटेशन, मैं उस लेवल वन को चाहता हूँ। तो उसके लिए जैसे कि मैंने लास्ट में आपको बताया लास्ट वीडियो में कि डुप्लीकेट व्यू आप यहाँ से बना सकते हैं। आप डुप्लीकेट बनाएंगे तो विदाउट डिटेलिंग आएगा, फिर डिटेलिंग चाहिए तो डुप्लीकेट में डिटेलिंग कर सकते हैं, एज ए डिपेंडेंट आप चाहिए तो आप डिपेंडेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अभी डुप्लीकेट व्यू यहाँ से लिया और उस डुप्लीकेट व्यू को मैं यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। क्लियर? अब इसमें देखो एनोटेशन आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो ऑलरेडी ये डुप्लीकेट व्यू है, और मैं चाहता हूँ इसमें मैं फर्नीचर भी नहीं चाहता, स्टेयर भी मैं नहीं चाहता इसके अंदर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डुप्लीकेट व्यू पे जाएं और फर्नीचर को यहाँ से हाइड कर दें, राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू कैटेगरी करें तो जितना फर्नीचर होगा आपका हाइड हो जाएगा। याद रखें इसे डिलीट मत करें, सिर्फ आप इसे हाइड करें। क्लियर? उसके बाद दोबारा यहाँ पे जाएं तो आपका उसी व्यू से चीजें हाइड होंगी जिस व्यू से आप कर रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद है कि मान लो मेरे को इसमें से ये सीट्स भी आपको हाइड करनी है, बट मैं उसके लिए वापस में लेवल वन पे या कॉपी पे नहीं जाना चाहता, मैं इसी शीट पे अपना वर्क करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप इस व्यू पोर्ट को यहीं पे एक्टिव कर सकते हैं। कैसे? आप इसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है एक्टिवेट व्यू, आप इसे एक्टिवेट कर दें, आपका ये व्यू यहीं पे एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, हाइड इन व्यू कैटेगरी कर दे, वो हाइड हो गया। और वापस इस व्यू से बाहर आने के लिए बाहर डबल क्लिक कर दे तो आपका व्यू वापस से डीएक्टिवेट हो गया, या फिर इस व्यू पे डबल क्लिक करेंगे तो भी आपके व्यू यहां से एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पे आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस आपके यहां पे शो हो जाएंगे। क्लियर? तो ऐसे करके आप अपने व्यू को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपको 3D लेके आना है, आप यहाँ पे 3D लेके आ सकते हैं जो आपका 3D व्यू है। उसके बाद है कोई भी आप शेड्यूलिंग करते हैं, शेड्यूलिंग पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लो आप चाहते हो डोर शेड्यूल, कितने डोर लगे हैं कहाँ कहाँ पे, तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं कि मान लो आपको डोर का चाहिए सिर्फ नेम, आप चाहते हो डोर हाइट, डोर विड्थ, डोर थिकनेस, और आप चाहते हो कौन से लेवल पे डोर लगा है, सील हाइट कितनी है, टाइप क्या है, विड्थ क्या है, टाइप मार्क, व्हाटएवर, जो भी आप यहां से जाते हैं, नेम नंबर आपको जो भी चाहिए वो आप यहां से यूज कर सकते हो और उसके बाद कर दे ओके। तो आपका देखो यहाँ पे शेड्यूल बन जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद इस शेड्यूल को आपने ये तीनों हटाए, आपको ये नहीं चाहिए, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे चाहिए, स्टील हाइट लेवल कौन सा चाहिए, टाइप विड्थ ये कैसे चाहिए, ये मैं अगली वीडियो में आपको क्लियरली बताऊंगा कि शेड्यूल प्रॉपर्टीज कैसे करते हैं, कैसे आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। ये मैं सिंपल एक ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप इस शीट को शेड्यूलिंग को आप ड्रैग करके आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे ये वाली शेड्यूलिंग चाहिए, मैं डिलीट करता हूँ, आप ऐसे यहाँ पे इसे शो कर सकते हैं। क्लियर? आपका पूरा टाइप, सील हाइट, विड्थ जो भी है वो सब कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे करके आप कुछ भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं कि आपको यहाँ पे एलिवेशन चाहिए, आप एलिवेशन लेके आ सकते हैं, आपको सेक्शन चाहिए, सेक्शन लेके आ सकते हैं, जो इस भी चीज की आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसे लेके आ सकते हैं। दूसरी चीज, मान लो आपका टाइटल ब्लॉक डिलीट हो जाता है तो वापस लेके आने के लिए यहाँ पे है प्लेस, यहाँ पे है आपका टाइटल ब्लॉक, क्लिक करें और आप अपने टाइटल ब्लॉक को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं अगर आपका बाई चांस डिलीट हो जाता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे है आपका रिविजन क्लाउड, ये कुछ साइट से रिलेटेड होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रीडिंग आप चाहते हो आप यहाँ पे ग्रीडिंग ऑन कर सकते हो तो आपके व्यू पे कंप्लीट ग्रीडिंग आ जाएगी। ग्रिड की स्पेसिंग आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो यहाँ से कि आपको ग्रिड की स्पेसिंग क्या चाहिए। उसके बाद है आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ग्रिड को डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद आती है बात शीट्स की,
अब मैं दूसरा व्यू दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ये आपका एक व्यू है कि ये लेवल वन है, एक लेवल टू है, एक प्लान है आपका, 3D बना हुआ है, तो इसकी शीट्स आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जैसे टाइटल शीट आप अलग अलग बना सकते हैं, जैसे आपने कंप्लीट 3D को यहाँ पे शो किया, कंप्लीट टाइटल को आपने यहाँ पे शो किया, साइट प्लान है आपका, साइट प्लान को आप ऐसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, प्लान्स को आप ऐसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे प्लान है, लेवल वन लेवल टू आपको लेके जाना है, सेक्शंस को आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। क्या आप इसे सिलेक्ट करके आप इसे डाल सकते हो कि आपका स्केल कितना चाहिए, आप स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, एलिवेशंस आपके हैं ऐसे प्लेस कर सकते हो, कंप्लीट डिटेलिंग को आप ऐसे प्लेस कर सकते हो, उसके बाद स्टेयर के सेक्शन को कट करके आप ऐसे प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। तो जहां से भी आप चीजों को प्लेस करना चाहते हैं वहां से आप इसे प्लेस कर सकते हैं, रेंडरिंग या कुछ भी जो भी आपने शेड्यूलिंग की है, ठीक है, उस चीज को डिटेल व्यू आप यहाँ से बनाया है, कोई भी कैसे बनते हैं ये भी आपको बताऊंगा, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको पता चला होगा अच्छे से कि आप शीट्स को कैसे बना सकते हो, कैसे आप अपने साइजेस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। देखो ये है आपके मैट्रिक्स शीट्स। अब अगर आप इस पे स्केल की बात करते हैं तो इस पे जो स्केल आएंगे वो ऐसे आएंगे 1:1 का स्केल, ठीक है, आप इस पे कोई भी क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आएंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई भी साइड प्लान आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आता है 1:200 का स्केल, ये मैट्रिक वाले स्केल है। इस वाले व्यू में क्या था कि हम जो काम कर रहे हैं वो फिट इंचज में वर्क कर रहे हैं, क्लियर, मतलब इंपीरियल यूनिट पे वर्क कर रहे हैं, तो आपके फिट और इंचज के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे शो करता है स्केल। बट इस ये वाला व्यू स्टार्टिंग से ही मैट्रिक है, तो इसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीटली मैट्रिक हैं, यहाँ पे जितने भी आपकी लाइब्रेरी है जितने भी वो सारे के सारे मैट्रिक में वर्क करते हैं, तो इसलिए इसके स्केल आपके आएंगे ऐसे 1:200, 1:200, 1:300, 1:500 के ऐसे स्केल पे। क्लियर दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आप अब शीट्स इजिली बना पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं और आप पीडीएफ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी शीट्स को कन्वर्ट करना आपको एज ए पीडीएफ या आपको अपनी इमेज को एज ए पीडीएफ कन्वर्ट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, प्लीज बने रहे ऐसे ही, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।